पाकिस्तान के आईन में सबसे पहले यह है कि इसमें हर काम हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। तो ये औरत मार्च के नाम पर जो बेहूदगी इस मुल्क में करवाई जा रही है, ये आईन पाकिस्तान से गद्दारी है, ये कुरान से गद्दारी है। लिहाजा हुकूमत होश के नाखून ले और ये चंद जो यूरोप के गटरों से निकलकर पाकिस्तान की शराहों को गंदा करना चाहती है, इन कंजरियों को वापस यूरोप लौटाया जाए। ये पाकिस्तान है, ये पाक मर्दों के लिए है, पाक औरतों के लिए है। इस वास्ते वो शर्मो हया जो ईमान है, आज हम उसका पैगाम देने के लिए निकले हैं और हम इस मुल्क की 99% आबादी की तर्जमानी कर रहे हैं। ये देश पाक माओं का है, पाक बहनों का है, पाक बेटियों का है, इज्जत माब खवातीन का है। ये कंजरियां गैरों की एजेंट यहूद नसारा की दलाल है, इनका जहरा की बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की औरत पाकिस्तान की खवातीन ये सैयदा आयशा सिद्दीका की चादर के नीचे है, ये सैयदा फातिमत जहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के झंडे के नीचे है। वो भी आज यही आवाज बुलंद कर रही है जो हम कर रहे हैं। कुरान में आया, कुरान में आया, कुरान में आया, रब ने फरमाया, रब ने फरमाया, फरमान पैगंबर, फरमान पैगंबर, फरमान पैगंबर, ईमान हमारा, कुरान हमारा, करबल का नारा है, मक्की नारा है, मदनी नारा, पंजाब का नारा, पख्तून का नारा, बलोच का नारा, बोलान का नारा, मेहरान का नारा, हम सब का नारा, हम सब का नारा, हम सब का नारा, कुरान हमारा, ईमान हमारा, मेरे खून में शामिल, मेरे दिल की धड़कन, हम सब का अकीदा, हूरों का नगमा, हूरों का नगमा, जन्नत का रास्ता, माओं की अजमत, बहनों की इज्जत, माओं की अजमत, हम सब का नारा, ईमान हमारा। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।